क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्यों कौवे की तरह काव काव कर रही हो? अरे माँ जी, हम ये बोल रही हूँ कि गैस की टंकी खत्म हो गई है, उसे भरवाना पड़ेगा। अरे बहू, अभी 15 दिन पहले ही तो गैस सिलेंडर भरवा कर लाए थे, फिर इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? मैं क्या करूँ माँ जी, रोज सुबह शाम 10-15 लोगों का खाना बनेगा तो गैस सिलेंडर तो खत्म होगा ही। अरे बहू, तू एक काम कर, तू बेच दे इस गैस सिलेंडर और चूल्हे को कबाड़ी वाले से, और मिट्टी का तुम चूल्हा बनाओ और चूल्हा बनाओ। अरे माँ जी, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी मिट्टी का चूल्हा नहीं जलाया, और अचानक आग लगाई और उसके धुएं से हमको कैंसर हो गया तो? अरे बहू, तू बड़ी आलसी है। अरे करम जली, चूल्हे के धुएं से आज तक किसी को कैंसर हुआ है क्या? अरे माँ जी, एक बात बताओ, आप पिछले जन्म में कुटिया थी क्या? आपसे कोई कितने प्यार से क्यों बात करे, आप काटने को लगते हो। हाँ बहू, मैं तो कुटिया हूँ, और तू सुन करम जली, आज तुझे मैं ऐसे काटूंगी कि दुनिया के किसी अस्पताल में तुम्हारा इलाज नहीं होगा। बुरा मत मानिएगा माँ जी, आप हमेशा सभी से झगड़ते रहते हैं, इसीलिए मुझसे गुस्सा में यह बात बोला गया। अरे बहू, तुम्हें गुस्सा आएगा तो तू किसी को कुछ भी बोल देगी क्या? आगे से यह बात ध्यान में रखना, वरना मैं तुम्हारी जवान खींच लूंगी। आगे से आप भी जितना काम हो उतना ही बोलिएगा, फालतू में बोलिएगा तो मैं भी आपके गले दबा दूंगी। अरे ये कैसी बहू मिली है, जब देखो तब झगड़ती रहती है। आने दो मेरे बेटे को, आज तुम्हें मार मार के हड्डी पसली एक करवा दूंगी। आने दीजिए माँ जी, मुझे भी कोई डर नहीं लगता। वो देख, आ गया मेरा बेटा। अरे बेटा देख, तो बहू बोल रही है कि अगर मैं कुछ इसे बोलूंगी तो वो मुझे गला दबा देगी। क्यों गोरी, माँ से तुमने बदतमीजी की है और उसे गला दबाने की बात कही है? आज तुम्हें मैं मार मार के खाल खींच लूंगा। देखो जी, तू भी ज्यादा कलेक्टर मत बनो, हमारे देश का खाली पड़ा है, या तो बोलो आप अपराधी गंदा करा है, ऐसे ही साफ कर दो, वरना तुम भी बोलो से मार मार के जल जल रोटी बना देंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। Da da da.